नमस्कार मित्रों, ललिता चुरू ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का वीडियो उन सभी यूट्यूबर्स के लिए अति महत्वपूर्ण है जो अभी नया नया जिन्होंने यूट्यूब चैनल है वो ओपन किया है, क्योंकि मेरे भी यूट्यूब पे दो चैनल हैं, एक जो ललिता चुरू ब्लॉग्स जिसमें आपको ये वीडियो अवेलेबल है या मिल रहा है, और एक है हिंदी विद डॉक्टर डीके। हिंदी विद डॉक्टर डीके पर आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य का इतिहास व हिंदी से सभी जुड़ी जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध होती हैं, परंतु ललिता चुरू ब्लॉग्स में आपको फनी वीडियो, फनी शॉर्ट्स, राजस्थान की लोक संस्कृति, राजस्थान के लोकगीत और यहाँ से जुड़े हुए रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति से सभी जो जानकारियां और जो प्रमुख रूप से लोकगीत है वो प्रमुख रूप से आपको दिखाई देते होंगे, और आप इस चैनल पर अपना समय भी व्यतीत करते होंगे और ये चैनल आपको अच्छा लगता भी होगा। परंतु जब शुरू शुरू में यूट्यूबर आप बनते हैं या यूट्यूब पे अपना चैनल ओपन करते हैं तो कुछ समस्याएं आपके सामने आती है। वह समस्या मेरे सामने भी आई थी कि वीडियो बनाते समय हमारी जो आवाज़ है वो प्रॉपर नहीं आती, और आप लोगों के अच्छे कमेंट थे ललिता चुरू ब्लॉग्स पर कि आपकी आवाज़ है वो क्लियर नहीं है। आपको पता है आज डिजिटल युग है, आज तकनीकी का युग है, इसमें बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बेहतर है वो कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं एक यंत्र आपको आज ऐसे बताता हूँ, या एक नया यूट्यूबर है, आपको पता है कम से कम थोड़े रुपए तो वो लगा ही सकता है, यानी 500-700 हज़ार रुपये तक वो खर्च कर सकता है। हम लोग 40-50-30-20 हज़ार रुपये नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, और पहले ही हम पैसे लगा दें तो क्या पता यूट्यूब चैनल अपना सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो आप अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी आवाज़ को और अधिक अपने यूट्यूबर्स या अपने जो साथी लोग हैं उन तक पहुँचाने के लिए एक K9, ये देखिएगा K9 का एक वायरलेस युक्त जो वायरलेस माइक्रोफोन है वो आप परचेज कर सकते हैं। मैं इसको परचेज किए हुए मेरे को लगभग एक महीने से ऊपर हो गया है। मैं चाहता तो इसको खरीदते ही आपको ये जो वीडियो वो बना करके डाल सकता था, परंतु मैंने सोचा कि पहले मैं इसको उपयोग में लूँगा, पहले इसको मैं काम में लूँगा और उसके बाद अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उस तक ये जानकारी है वो पहुँचाऊँगा। ये मुझे मीशो पे मिला 607 रुपये में। आप ये मान लो कि अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी इसको अवेलेबल अपना परचेज वो कर सकते हैं, उस पर भी अवेलेबल है ये। इसको हम आज की इस वीडियो में प्रमुख रूप से इसको लगा करके भी आवाज़ चेक करेंगे कि आपको कैसा लगता है। और मेरी ये समस्या, जब आप लोगों के कमेंट थे कि सर आप की जो आवाज़ है या जो शॉर्ट्स के जो आवाज़ है वो काफ़ी है, आपकी जो आर्ट है वो अच्छी है परंतु आवाज़ आपकी 1% भी अच्छी नहीं है, तो मैंने ये खरीदने का एक विचार बनाया और इसको मैंने खरीद लिया। मुझे भी YouTube के माध्यम से ही ये जानकारी मिली कि ये एक जो माइक्रोफोन है, परंतु ये किसकी जो क्वालिटी है जब आप खरीदेंगे तभी आपको पता है वो चलेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए फटाफट हम इसको खरीदते हैं, और ख़रीदने का मतलब कि हम प्रमुख रूप से इसके बारे में जानते हैं कि हम कैसे इसको उपयोग में लेंगे। ये इसका उपयोग लेना एकदम आसान है। इसमें देखिए, जब मैंने इसको खोल लिया है, क्योंकि ये जो पॉलीथीन वगैरह मैंने पहले हटा ली थी, इसको हम लोग ओपन करेंगे। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए एक ये रिसीवर है, ये आपके फ़ोन में लग जाएगा, ये देखिए रिसीवर, ये आपका एक माइक है, ये ऑफ ऑन होता है, ये आपका दूसरा माइक है, ये भी ऑफ ऑन होता है। इसके अलावा इस पर इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है हम बता दें आपको। एक ही आपको इसमें जो चार्जर है, इसका जो अडॉप्टर है वो तो आपको अपना लेना पड़ेगा, परंतु ये चार्जर है, ये प्रमुख रूप से आप इसमें लगा सकते हैं। एक पिन इसमें और आती है जो प्रमुख रूप से जो एप्पल वगैरह के जो फ़ोन है उनमें ये लग सकती है, वो मैंने अलग वो रख रखी है। यदि आप आएगी ज़रूर आपके साथ में, आप मंगाएंगे तो आपके साथ ज़रूर आएगी। इस बॉक्स को हम वापस से कर देते हैं ऐड, क्योंकि इसका हमारे लिए कोई काम नहीं। इस प्रकार से इसकी पैकेजिंग वगैरह आएगी, और इस प्रकार से इस पे जो पैसे लिखे हुए हैं वो भी मेड इन चाइना है ये, और फॉर आईफोन एंड फॉर टाइप सी इसमें लिखा हुआ है, बी टाइप वाले में आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जो माइक है इनको ऑन करना होता है। देखिए मैं आपके सामने ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें जो आपको इसकी लाइट दिख रही होगी, ये देखिए ग्रीन और जो रेड है वो लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए ये बंद हो रही है और
चलो बोलिए, इसका भी हम माइक है वो ऑन कर देते हैं। ये देखिए ये भी वापस ऑन है, वो हो चुका है। ये बबलिंग इसलिए कर रही है कि कभी बंद और कभी शुरू, क्योंकि अभी ये हमारा रिसीवर है फ़ोन में नहीं लगा है, रिसीवर में फ़ोन में लगते ही ये जो आवाज़ हमारी आने लग जाएगी। तो हम इसको अलग रखते हैं यहीं पे। और ये देखिए मैं इसी रिसीवर को यहाँ पर इसी फ़ोन में अटैच करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको अटैच कर दिया है। ये जो लाइट है ये दोनों देखिए बंद, ये ग्रीन है वो आ गई है, ये देखिए दोनों में ग्रीन है, दोनों में ग्रीन आपको दिखाई दे रही होगी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ये बबलिंग होनी बंद है, यानी कि अब बुझना और ये चसना अपनी भाषा में बोल सकते हैं लोग, ओपन एंड ऑफ होना ये बंद हो गई है, ऑन एंड ऑफ। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपनी कॉलर पे लगा सकते हैं। देखिए कॉलर में लगाने के लिए है, ये देखिए इस प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हैं। और अब देखिए मैं एक माइक से बोल रहा हूँ, हेलो हेलो, मेरी आवाज आप लोगों तक सही से आ रही होगी। अब ये देखिए दूसरे से बोल रहा हूँ, हेलो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं, आपकी आवाज, मेरी आवाज आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही होगी, आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे इसी उम्मीद के साथ। अब देखिए दोनों की माइक में लेता हूं साथ में, दोनों की जो आवाज है, हेलो हेलो गाइज, हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं, आप अच्छे होंगे, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हेलो हेलो हेलो। देखिएगा अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इन दोनों के माध्यम से इन दोनों को लगा करके बना रहा हूँ। तो आप विशेष तौर से इनकी क्वालिटी, पहले जो मैंने लगाया नहीं था इसको, मैंने ओपन ही नहीं किया था, दोनों क्वालिटी आप देख सकते हैं। आधा वीडियो आपको बिना इस माइक माइक्रोफोन के मिलेगा और आधा वीडियो आपको माइक्रोफोन के साथ मिलेगा। इसके साथ है कि परचेज है, आप करोगे तो ये पर्ची या स्लिप भी उपलब्ध आपको होगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और इसमें लिखा है कृपया उपयोग से पहले माइक्रोफोन को चार्ज करें, आपको सबसे पहले फोन लेते ही जो सी पिन है वो उससे चार्ज है वो हो जाएगी। ओप्पो विवो और रियलमी फोन यूजर्स को K8 और K9, क्योंकि देखिए K9 है ना, तो K8 भी आता होगा, इस्तेमाल करने से पहले हर बार अपनी फोन सेटिंग में OTG कनेक्शन ऑन करना होगा, यानी इसको उपयोग करने पहले एक OTG कनेक्शन होता है उसको आपको ऑन करना होगा। K8 और K9 माइक इस्तेमाल करने के 10 मिनट बाद